नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष शर्मा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। देवास जिले के ग्राम मुकामदा के प्राथमिक विद्यालय में बने अतिरिक्त भवन पर वहां की उप सरपंच के अवैध रूप से कब्जे की शिकायत कलेक्टर को प्राप्त हुई थी। बुधवार को कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार व उनकी टीम मौके पर पहुंचे और भवन को खाली कराकर कब्जा प्राचार्य को दिया गया। आपको बता दें कि उज्जैन रोड स्थित ग्राम मुगावदा में राधा कृष्ण मंदिर के सामने प्राथमिक विद्यालय में अतिरिक्त भवन पर वहां के उप सरपंच के द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। इसकी शिकायत विद्यालय के प्रधान उपाध्यक्ष ने कलेक्टर ऋषभ गुप्ता को की थी। इसी को लेकर कलेक्टर ने कब्जा हटाने के निर्देश तहसीलदार पूनम तोमर को दिए, जिस पर बुधवार को तहसीलदार पूनम तोमर व उनकी टीम मौके पर पहुंची और अतिरिक्त कक्ष के कब्जे से प्रधान उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह राणावत को दिया गया। इस संबंध में तहसीलदार पूनम तोमर ने बताया कि ग्राम मुगावदा में प्राथमिक विद्यालय के अतिरिक्त भवन में उप सरपंच के द्वारा लंबे समय से कब्जा करके रखा गया था। उसके संबंध में कलेक्टर को शिकायत मिली थी। कलेक्टर के निर्देश पर भवन खाली कराकर कब्जा विद्यालय के प्रधान उपाध्यक्ष को दिया गया है। इसी तमाम जानकारी और अपडेट्स के साथ हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। क्या कार्रवाई हुई? ये ग्राम मुगावदा में जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें जो अतिरिक्त भवन था उसके ऊपर यहाँ के उप सरपंच द्वारा लंबे समय से कब्जा करके रखा गया था, जिसके संबंध में शिकायत जो है वो कलेक्टर महोदय को प्राप्त हुई थी और उसको संज्ञान में लेते हुए साहब के निर्देश पर आज ये भवन जो है ये खाली कराकर और इसका कब्जा जो है वो प्रिंसिपल है प्राइमरी स्कूल के उनको दिया गया। कितने दिनों से कब्जा था इनका? ऐसा कुछ ये तो लंबे समय से कब्जा था।